रुधीर जसवाल, only on South Asian Pulse. South Asian Pulse. Call रुधीर जसवाल 647-272-8182 or visit southasiandaily.com. वाई मीडिया ग्रुप वालों सारिया का बहुत बहुत स्वागत है. बतौर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया मैं युधीर जसवाल तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ. अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच करंट न्यूज और उहदे उत्ते एनालिसिस लैके जी इस मौके दे उत्ते स्वागत करांगे साडे दोनों मेहमान दा. रियल स्टेट का कोई सवाल पीके सबरवाल. पीके जी बहुत बहुत स्वागत है, वार्म वेलकम सर. थैंक यू वेरी मच युधीर जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स. गुड आफ्टरनून जी. पंकज मोंगा जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच युधीर जी. मेटर फॉर वी सब नो गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून जी. राम सिंह जी का जरा सवाल सीगा पीके जी, तुहानू तुसीं पहला उहदा जवाब दे दो फिर गल होवेगी. कम हाँ जरा वो बैंक का कह रहे थे ना कि वो प्रॉफिट बनाई जा रहे ने ते कर रहे ने. देखो ना पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ऐसा जवाब देना चाहूंगा कि साढ़े कैनेडियन बैंक्स आर वेरी वेरी हाईली रेगुलेटेड है. बहुत ज्यादा तो इन्होंने हाथी है ही नहीं है. जिस तरह की इन्होंने इंस्ट्रक्शन आदि है ना उस हिसाब से, जिस तरह तुम दसते हैं कि कैनेडियन बैंक्स दे हैव टू कंप्लाई विद बेसल थ्री स्टैंडर्ड है. एक इन्हों का बेसल थ्री स्टैंडर्ड कहते हैं. अंदर जो है उन्होंने मेनटेन करना पड़ता है कैपिटल एंड लिक्विडिटी बफर्स बना के रखने पैदे ने. इन्हों के अपने हाथी नहीं है और इसी करके बहुत सॉलिड पोजिशन से बैठे ने. वे वे भी जिस तरह अमेरिका च लाइक फ्लैश ऑफ कार्ड बैंक और गर्मी शुरू हुई थी इतने असर नहीं होया सीगा क्योंकि इन्होंने बफर बना के रखा होया और इन्हों के हाथी च इन्ना ज्यादा नहीं है. जिन्ना इन्होंने बिकॉज दे आर रेगुलेटेड दे हैव टू कंप्लाई विद दो स्टैंडर्ड्स बेसिक थ्री जिन्होंने कहते हैं. यह कारण है सानू लगता है प्रॉफिट वो है भी, लेकिन कल जिसका डाउन टर्न शुरू होता है जिसका कॉलम आंदी हैगी तो फिर यह चीज जी है बफर जो है विद स्टैंड कर लेंगे उस झटके. मैं इन्होंने राम सिंह जी कहना चाहता सी. मैनू यह भी इधर अंदर गल करते करते मैंने गल होर याद आई कि मैनू हूं आ रहा है यूजी जी कि हूं एवं जी वेव आएगी जिसे अंदर कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी छोटे वोटे बैंकों मर्ज होने वे वे बैंकों. मैं लगता है सारे जो बिग फाइव बैंक ने उन्होंने छोटे छोटे जिस तरह लोरेशियल बैंक की गल चल रही हैगी मर्ज होने और यह भी एक बहुत एक सॉलिड स्टेप है साड़ी फाइनेंस जी कैपेबिलिटीज एंड बैंकों होर स्ट्रेंथ करने वास्ते. दिस इज वॉट आई कैन थिंक अबाउट द बैंक जो कि राम सिंह जी ने क्वेश्चन किया. वैनकूवर वाली साइड से भी जाके आया इतने भी जो गल्ला बातां सुनिया आया वो सारे जिथे भी सीगा जे हुण इन्होंने इंटरेस्ट रेट चक्या जेड़ा ते इहदे नाल हुण ते कहिंदे हुंदे वी कंध दी इट थल्ले निकलने वाली आ ते तुहानू भी सारे नूं आसे पासे बहुत नॉलेज होनी पता भी होना बंदिआं दा सारा जिन्ना चिक ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਮਹਿਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਚੱਕੋ ਚਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਕਰਦੇ ਫੋਰਡ ਫੇਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ. ਆਈ ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਫਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਝਟਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਜਦ ਡੁੱਬਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਫਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਝਟਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 30 ਈਅਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ 35 ਈਅਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਾਹਾਂ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬਣੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ 30 ਜਾਂ 35 ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ. ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜੇ ਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਆ ਗਿਆ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਨ ਦਾ ਪੇਪਰਸ 30-35 ਈਅਰ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਸਟਮਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਲੀਗਲ ਸਟੱਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮ ਇਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 4 ਲੱਖ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਅਗਰ 0 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਗਰ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਜੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 2.3 ਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਸੀਗੀ ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਸੀ ਤੇ ਜੇ 8% ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 6% ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਾਪਸ 2.3 ਤੇ 2.8 ਤੇ ਆਈਏ ਜਾਂ 3 ਤੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਉਹ 3% ਹੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3.84% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9% ਅਪ ਪਈ ਹੈ ਹਲੇ ਬਰੋਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2024 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸੋ ਹਲੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 2% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਚਾਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਬੈਂਜਮਿਨ ਤਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ 50-50 ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ 4 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ
जुलाई 18 नू जीडीपी दी रिपोर्ट आनी है, अगस्त 4 नू एम्प्लॉयमेंट दी रिपोर्ट आनी है, फिर 15 अगस्त नू इन्फ्लेशन दी आएगी, फिर 1 सितंबर नू जीडीपी दी दोबारा आएगी। सो ये चार रिपोर्टा साडिया होर विच हैगिया ने 6 सितंबर तो पहला 6 सितंबर नू इंटरेस्ट रेट दी अनाउंसमेंट है। सो उनदे ते भी कुछ डिपेंड कर सकता है, काफी कुछ डिपेंड कर सकता है उस उन्हां रिपोर्टा ते। लेकिन अज जिवें पीके जी ने दस्सिया, बेंजामिन ताल साहब कह रहे ने, मैं सुनिया नहीं सीगा उन्हां नू। सो बेसिकली साडी जिहड़ी हुण एक्सपैक्टेशन है, जिहड़ी मेरी एक्सपैक्टेशन है, अगर मैं सारिया रिपोर्टा पढ़ा तां मैनू नहीं लगता पिया कि इस रिपोर्ट तो बाद वधाना चाहणगे। सर पर जिवें हुण आपां नू पीके जी भी दस्सदा पिया, तां हुण भी लाइनअप्स वगैरह तां हजे भी लोग लाई रहे, उन्ना ही रश पै रहा। कहिंदे पीके जी नू भी पता ही होणा वी व्हाट्सएप वगैरह च किन्ने क बिके आ किन्ने क नहीं, पर ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ? ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੁੱਡਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਲੈਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਬੁੱਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 90 ਲੋਕ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਯੂਅਰ ਇਨਕਮ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ। ਪਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ 90 ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਸਰ। ਯਾਰ ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਫੋਮੋ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਉਹ ਆਸਫੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੀ ਲੌਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਪ ਟੂ 65-80% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪ ਟੂ 65% ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਦੀ ਓਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗੇਜ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਛ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਨੂੰ 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰ ਰੂਲਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 6% 8% 6.8 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਂਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਹਾ 6.4 ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ। ਗਰੀ ਜੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਭੀ ਵੀ ਖਬਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਬਾਰ ਵੀ ਬੜ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ? ਦੇਖੋ ਬੜਨੇ ਕੋ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਮਾਰਚ ਮੇ ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੌਜ਼ ਕਰਤੇ, ਜਬ ਪੌਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਈ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੀ ਆ ਗਈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹਮੇ ਲਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬੜਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਬੜਾ ਸਕਤੇ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1-2 ਬਾਰ ਔਰ ਬੜ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇ ਇਹ ਲਗਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਵੋ 1 ਬਾਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੋ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ 6 ਸਪਟੈਂਬਰ ਕੋ ਨਾ ਬੜਾਏ ਔਰ ਦੇਖੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से बढ़ेगा। मुगल साहब, हम लोग को दिक्कत ये है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता वो पॉज और होल्ड ना, ये सब हमको ये लगता है कि अब बस रुक के अब कम होना चालू हो जाएगा ना, हम लोग बड़ा जल्दी में रहते हैं, ये थोड़ी दिक्कत रहती है। और 100% सही हो आप। मैं इसके ऊपर एक लाइन छोटी सी बेंजामिन ताल की बता देता हूँ जो कि कल की उनकी लाइन है, उन्होंने कहा कि अनदर जंप कुड बी ऑन द वे बट इट वुड मीन रेट कट्स अराइव सूनर, इसका नुकसान होने वाला नहीं है। अगर जल्दी उन्होंने एक बैंक वगैरह ने रेट हाइक एक बार किया तो उसका पॉजिटिव असर होने वाला है, उतने ही जल्दी रेट नीचे आने शुरू होंगे, ये उनका मानना है और जिसमें मैं भी सहमत हूँ। मुगल साहब देखो, मुझे लगता है सरकार का मेन मकसद ये है कि सबसे ज्यादा खर्चा होता है घर में, जब तक थोड़ा घर अगर ये जो इन्वेस्टर वाले हैं ये लोग अगर रिलीज कर दें, थोड़ी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी जी, वो गरीब आदमी के लिए थोड़ा वो भी मिलेगा, इसके बारे में क्या सवाल है जी? गिरीशी, आप ने पहले भी मैंने बताया था उनका हाउसिंग भी एक फैक्टर बना हुआ है, जब मार्च में इन्होंने रोका था और उसके बाद हाउसिंग एक झटके से बढ़नी शुरू हुई थी तभी इन्होंने दोबारा से बढ़ाना शुरू हुआ था, क्योंकि हाउसिंग हाउस होल्ड जो है अगर इस तरह से बढ़ता जाएगा तो वो भी हमारी इन्फ्लेशन में बहुत कंट्रीब्यूट करता है, और कहीं ऐसा ना सिचुएशन आ जाए कि उसमें इतना ऊपर बढ़ जाए कि वो बहुत बड़ा क्रैश की तरफ ले जाए।
सो हाउसिंग को वो रखना चाह रहे हैं और आप 100% सही हो, होगा क्या ये अगर दो साल बैठे रहे ना इस तरह से इंटरेस्ट रेट लेके, बहुत सारे हाउस मार्केट में आ सकते हैं। मोगा साहब देखिए, जो जो बंदा रह रहा है ना घर में वो तो बेचारा करेगा, वो शाही पनीर खाता होगा, फिर दाल रोटी भी आ जाएगा, फिर वो ना नमक रोटी भी आ जाएगा, वो तो किस तरह से रह लेगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है वो तो सोचेगा निकालो पीछा छोड़ो, रात को नींद तो ढंग से आएगी, राइट? तब तो देखिए डिपेंड करता है, वो अगर होल्ड कर सकता है हाँ जी हाँ तो जी, वो होल्ड करेगा। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, यस, क्योंकि दो साल बहुत बड़ा टाइम होता है, डेढ़ से दो साल आगे। अगर आज की डेट में अगर किसी को लेट से आज अगर आप मिलियन डॉलर का मॉर्गेज लेने जाते हैं 5,000 के करीब की, तो इसकी इंस्टॉलमेंट ही है, उसके बाद आपका हाइड्रो है जो भी है कुछ भी खर्चा है उसमें, तो वो $6,000 का पड़ रहा है। और वो रेंट पे अगर उसको सिर्फ 4,000 पे दे पा रहा है, या क्योंकि मिलियन का मकान कौन सा, कोई डिटैच तो होगा नहीं, छोटा ही मकान होगा, तो अगर वो 4,000 पे भी दे देता है उस मकान को, तो $2,000 उसकी जेब से जा रहा है। अगर वो $2,000 अगले डेढ़ दो साल से आ सकता है तो रखे रखेगा। सर मैं इसका ऊपर छोटे से कमेंट देना चाहूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट के मुतालिक ये मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस बात के ऊपर, इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी का। मैं तो ये कहूंगा कि इसका एक ही सिंपल लाइनर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना वीक इन्वेस्टर है उतनी जल्दी मार्केट से बाहर होता जाएगा। जैसे अभी मोबाइल ने कहा कि होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, मेरे पास अभी केस आ रहे हैं पिछले दो महीने से आ रहे हैं कि जी अब मेरी जेब से 2,000 जा रहा है, मैं और नहीं कर सकता, बेचो। अब कहीं कहा था जी नहीं हम तो और खरीदेंगे अभी, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जितनी अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी है और जितना कोई वीक है उतनी जल्दी वो निकलता जाएगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मार्केट के अंदर वो प्रॉपर्टी आती जाएंगी, लेकिन जैसे जो आपने पहले कहा था कि क्या इन्वेस्टर्स को अपनी प्रॉपर्टी निकालनी देनी चाहिए, ये उसका जवाब है। लेकिन अगर उनको फोर्स किया जाए या उनको एथिकली अगर कहा जाए कि भी तुम निकालो, तो मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अगर उसको होल्ड कर सकते हो तो आपको कोई जबरदस्ती करेगी जी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो तो क्या आपको अच्छा लगेगा, तो उसका आंसर वो है सर। तो ये तो बस डेमोक्रेसी कंट्री है सर। तो आपकी बात एक तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये मार्केट में मकान आएंगे, बिल्कुल आने शुरू भी हो गए सर, देखो इन्वेंट्री बढ़ गई ना, क्योंकि अब जो लोग इन्वेस्टर को भी जब ऐसे हैं जो उनको 2,000 जेब से नहीं दे पा रहे तो वो मार्केट में लेके आ रहे हैं, और ये होगा आगे और बढ़ेगा सर। ये नहीं सर, देखिए मेरा पॉइंट ये है कि जैसे आपके ऐसे लोग तो चलो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं वो करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे जो सब लगे हुए थे कि वो इस साल लिया अगले साल बेच लिया है ना, फ्लिप कर लो ये कर लो, वो सब बाहर में उनको सबको रस्ते से बाहर निकालना है, राइट? वो आएंगे, वो निकालना क्या, अपने आप ही निकलेंगे। आप देख लेना, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वो अपने आप ही निकलेंगे, और निकलने शुरू हो भी गए हैं सर, निकलने शुरू हो भी गए। सर मैं अपनी स्टेटमेंट वो आई मीन लाइन ऑफ क्रेडिट के सीमित को प्राइम प्लस 3.5 समथिंग, वो 10% से ऊपर वो जो रेट है बंदा तो 2 साल तक सर्वाइव कर पाएगा, है ना सर? आपका ये लाइन ऑफ क्रेडिट कोई इतना महंगा कह रहा है प्राइम प्लस 3% समथिंग, वो है ही गलत। प्राइम प्लस हाफ है, प्राइम प्लस 2.25 है, या मैक्सिमम प्राइम प्लस 1 है बस। नहीं सर, जो नॉर्मल रेगुलर लाइन ऑफ क्रेडिट की जो होता है रेट वो प्राइम प्लस 3 से ऊपर। नहीं सर, नॉर्मल नहीं होता, अब नॉर्मल होता सर, मैं इसको प्लीज करेक्ट कर रहा हूँ, ये अब नॉर्मल बता रहे हैं वो, मैं तो इसमें ये तो जो नॉर्मल है वो लाइन ऑफ क्रेडिट प्राइम प्लस 1 नॉर्मल है। नहीं, वो जो जिनके अच्छा प्रोफाइल है वो उनका तो 0.5 भी है, 0.25 भी है। नहीं सर साहब, आप मोगा साहब से पूछो, है जो तो हो जो होम इक्विटी और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है वो होता है प्लस 1, बाकी सब नॉर्मल सब 3 से ऊपर है। मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली रेफर करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट जैसे अनसिक्योर्ड है, वो प्राइम प्लस 1 पे दी हुई है मुझे उन्होंने, तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है अनसिक्योर्ड, और सिक्योर तो और भी सस्ती है। हाँ, सिक्योर्ड तो और भी सस्ती होगी। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री क्या है बैंक के साथ, आपने कितना पैसा रखा हुआ है उनके पास, कितना रिस्क है बैंक को, बैंक को कितना रिस्क है आपकी प्रोफाइल पे, उस पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। मोहम्मद साहब, एक और सवाल है कि जो ये जो लोग नॉर्मल रेगुलर लोग सब अपनी RRSP पूरी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जितनी उनकी लिमिट होती है, डिपेंड करता है सर, बहुत सारे लोग कर लेते हैं जो कि जॉब मार्केट में बैठे हैं, जो कॉर्पोरेट्स में बैठे हैं जैसे, उनकी तो उनको तो बल्कि पैसा डालने की जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि उनके अपने वो जो उनके पेंशन प्लान चल रहे होते हैं, उनकी RRSP लिमिट खत्म हुई पड़ी होती है, वो और डालना चाहते हैं बहुत बार, तो वो सिचुएशन होती है। और कई जो लोग होते हैं वो कई तो ऐसे होते हैं, फिर जी यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात पूछी है मेरे से आज, 50% लोग जो मेरे पास आते हैं उनको RRSP लेनी नहीं चाहिए, मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ी रहे लिमिट, क्योंकि उनको वो लेनी नहीं है, उनको सूट ही नहीं करती है। RRSP इज द प्रोडक्ट डज नॉट सूट एवरीबडी, सो
वो चीज तो हमें क्वेश्चन में आना ही नहीं चाहिए। मैं बता देता हूँ सर, मैंने आज तक अपनी लाइफ में आरआरएसपी नहीं खरीदी, मेरे पास पता नहीं कितनी लिमिट पड़ी हुई, मैंने एक सिंगल पेन ही नहीं डाली हुई आरआरएसपी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अलग इन्वेस्टमेंट करके कहीं और से और ज्यादा बना सकता हूँ, या मुझे टैक्स एडवांटेज कहाँ से मिलेंगी, मैं आरआरएसपी में डाल के टैक्स एडवांटेज लूँ या कहीं और कहीं इन्वेस्ट करके मैं उससे भी डबल और ट्रिपल उसको कर सकता हूँ। सो हर बंदे की अपनी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं और आप कई चीजें ऐसी पूछ देते हो जिससे कि बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को फायदा हो जाता है। वी शुड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भैया। थैंक यू, बिल्कुल सही जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गिरी जी। थैंक यू पीके जी। और हाँ जी, लास्ट कॉल फॉर द शो। हाँ जी हामिद साहब, तुम ऑन दे रहे हो जी। हामिद जी। हाँ जी पंकज जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये बैंक ऑफ कनाडा जो है इसने एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। असल में मसला ये होता है कि इंटरेस्ट रेट तभी उठाते हैं आपने इकॉनमी से पैसा निकालना है, इस बात पे तो मुझे एग्री करते हैं, लेकिन जब लास्ट टाइम अभी दो बढ़ाए हैं, अगर इंटरेस्ट इकॉनमी से पैसा निकल रहा है वो धीरे धीरे अपने टाइम पे आके 6-8 महीने में स्लो हो जाएगी, ठीक है। इतना अग्रेसिव चलने की क्या जरूरत है कि भाई आपने कोई मैराथन जीतनी है, कोई रेस जीतनी है, उससे क्या हो रहा है कि टेक्निकली मैं भी ट्रकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मेरे कई दोस्त वगैरह ऊबर चलाते हैं, मतलब कि काम इतने स्लो है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, काम है नहीं है मार्केट में, मार्केट अच्छा। अब आप जहरी बात है, अगर मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट कम आएंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट कम बनेगी तो वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे असर डालेगी, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होगी, लेकिन ये कि जैसे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जैसे मॉर्गेज की पेमेंट बढ़ती है, इन्फ्लेशन अपनी जगह पर जाती है, वो तो ऑयल प्राइसेस की वजह से अपनी जगह पे वो इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे आई है, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना क्या इनको जल्दी है, वेट करें, अभी इकॉनमी से पैसा निकल रहा है वो निकलता रहेगा, आस पास अपने टाइम पे चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी। ये तो वैसे भी मतलब कि बहुत तेजी से जो चल रहे इसका तो ये हर चीज सेशन में चली जाएगी, और बल्कि सेशन तकरीबन टेक्निकली स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो ये है कि अभी वो नंबर्स नहीं आ रही है, चीजें नहीं हो रही, लेकिन अभी ग्राउंड में हालात बहुत बुरे हैं मेरे हिसाब से। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इतनी तेजी से क्यों गए, उसका एक आंसर है, उन्होंने भी बीच में रियलाइज किया कि हम अब रुक जाते, मार्च में उन्होंने रोक लिया था, आपको ध्यान होगा तो मार्च में उन्होंने रोका है और हाउसिंग में आग लग गई, इन्फ्लेशन अगले ही महीने बढ़नी शुरू होगी घटने की बजाय, इसलिए उन्होंने दोबारा शुरू किया था कि इन्फ्लेशन अगर हम रोक रहे हैं तो दोबारा से एस्केलेट होना शुरू हो गया, अगर एस्केलेट होना शुरू हो गया है तो हम और भी बड़ी प्रॉब्लम में जा रहे थे। सो इसलिए उन्होंने अब लग नहीं रहा हमें कि क्या हम 2.8 पे आ गए, और यही मार्च में जब उन्होंने रोका था फटैक से हम बढ़ना शुरू हो गए थे, तो आप असर देखिए ना उसका इंटरेस्ट रेट का। आप मैं पहले भी बोल चुका हूं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इफेक्ट आ चुका है सर, वो आपका एक सेक्टर है जिसको इफेक्ट आया है, कई सेक्टर्स हैं जिनको अब धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू होगा या हो चुका है, बट आपके सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट अभी आ चुका है, और अभी और थोड़ा सा बड़ा मैं मेरे को ये कहने में कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन ट्रकिंग इंडस्ट्री इज सफरिंग राइट नाउ, मैं देख रहा हूँ वो चीजें, और प्राइसेस उनको वो नहीं मिल रहे हैं जो मिलते थे, या आप 5 दिन जाते थे तो आप 3 चक्कर लगा पा रहे हैं, मैं ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, सारी रिपोर्ट्स भी बता रही, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें बाकी सेक्टर्स को भी स्लो करना है, इसलिए बैंक ऑफ कनाडा लगा हुआ है ताकि ये सारी चीजें नीचे आ सके, हर चीज का इम्पैक्ट आ सके। सर ग्रोसरी 9% अप है, वो भी नीचे लानी है तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए बैंक ऑफ कनाडा लगा हुआ था, लेकिन अब वो होल्ड करने की पूरी उम्मीद हो गई है, लेकिन डिपेंड करेगा रिपोर्ट पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, समय सानू होर ज्यादा नहीं दिता जी। पीके जी विल रैप अप विद यू फर्स्ट। हाँ जी, कोई प्रोजेक्ट कुछ भी कोई डिटेल कुछ शेयर करना चाहिए? एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, खराब प्रोजेक्ट्स भी हैं, वी डोंट एक्चुअली मार्केट द प्रोजेक्ट्स जहाँ पर हमें AA और AAA नजर नहीं आता, हम उसको मार्केट ही नहीं करते, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी आर नॉट सेलिंग, लेकिन कई बार कहीं के हालात डिफरेंट होते हैं, वो उन प्रोजेक्ट को मांगते हैं, उनको लेके दे देते हैं। हमारी जो रीसेल की जो टीम है ऑफिस के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये नहीं है कि हम सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, हमारी अलग अलग टीम्स हैं, प्री कंस्ट्रक्शन की टीम है हमारी, इन्वेस्टमेंट्स की टीम है, कमर्शियल की टीम है, रीसेल की टीम है, रेंटल लीजिंग की टीम है, हमारा अलग से लॉ डिपार्टमेंट है, हमारा मॉर्गेज डिपार्टमेंट है, तो फुली इक्विप्ड
विंडो सर्विस जिसे कहते हैं हमारी, तो ये हालत इस वक्त है कि आपका जल्दबाजी वाला टाइम खत्म हो गया और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बहुत फोन रोज के रोज मुझे आ रहे हैं कि हमने ये कर लिया था अब यहाँ फंसे हुए हैं, ये कर लिया था वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जब कर लिया था तो उन्होंने फ्यूचर सोचा ही नहीं था, बस बातों में आगे और कर लिया। तो वो चीज हमारे यहाँ पर नहीं होती किसी हालत में भी। तो हम वर्स्ट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए फिर आगे बात करते हैं। तो उसके लिए आप हमें मिलिए, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, वी गिव यूजली 1 आवर आजकल, क्योंकि पहले हम आधा घंटे से 45 मिनट बैठते थे, अब जरा डिस्कशन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, तो अब हम 45 मिनट से एक घंटा तक बैठते हैं। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, नथिंग, एंड वी डोंट इवन कॉल यू बैक अगेन। आपको अगर अच्छा लगा या घर जाके आपने कोई डिसीजन अपना बनाया तो आप हमें कॉल कर लीजिए, अनलेस यू टेल अस की टू कॉन्टेक्ट इन सो मेनी डेज वी कॉन्टेक्ट यू, माई ऑलवेज कॉन्टेक्ट यू। तो उसके लिए एक ही नंबर है। बहुत प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे हैं, अभी भी कुछ और प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जैसे अभी बताया रिवेंट स्काई का जो प्रोजेक्ट बताया, बड़ा अच्छा ये फन ब्रुक का किस तरह का प्रोजेक्ट है, लो राइज टाउन होम्स और फ्री होल्ड टाउन होम्स और ये पीओटील वाले और सेमी डिटैच डिटैच घर है, स्टार्टिंग 699 प्लस, और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, लिंडसी में है, नियाग्रा के पास है, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर सबके लिए ठीक नहीं है, पहले बताना चाहता हूँ, जल्दबाजी मत करिए, हमें बहुत कुछ देखना होता है। प्लस हाई राइज के अंदर बहुत शानदार प्रोजेक्ट अभी है और आ भी रहे हैं, मेरी कुछ बिल्डरों से मीटिंग, कल भी एक मेरी बिल्डर से सुबह मीटिंग है 11:30। जस्ट वन विंडो सर्विस 6472994757, जस्ट टेक्स्ट मी एंड यू विल गेट ए रिप्लाई इमीडिएटली और फिर वी कैन प्लान इस स्केड्यूल ए मीटिंग 6472994757। थैंक यू वेरी मच पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी दस दिए शाम 6:30 पीके जी और पंकज जी जिहड़े ने स्पेशल प्रोग्राम हर वेंसडे तुसी देखदे हैगे हो चैनल वाई दे उत्ते, जिहदे च के सारी फाइनेंस इकोनॉमी रियल स्टेट किदां ग्रोथ हो रही है, रियल स्टेट च की पॉसिबिलिटीज हैगियां ने, सारी डिटेल जानकारी तुहानूं फिर कीती जांदी है।